हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चौधरी चरण सिंह के नाम पर बरगला रहे कुछ लोग, उनसे सवाल पूछना, पीएम मोदी को अखिलेश संघ जयंती पर वार। मौसम की खराबी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बिजनौर तो नहीं जा पाए, लेकिन वर्चुअल रैली के जरिए उन्होंने प्रचार किया। पीएम मोदी ने योगी सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए किसानों के मुद्दे पर एक तरफ जयंत चौधरी को घेरा तो दूसरी तरफ बिजली की कमी की याद दिलाकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों में गन्ने की पर्ची से लेकर गन्ना बकाए के भुगतान तक हर जगह नकली समाजवादियों का ही बोलबाला था। पीएम किसान सम्मान निधि हो, छोटे किसानों की आर्थिक मदद हो या किसान भाइयों की फसल का बीमा हो, हमारी सरकार ने ये सब बैंक खातों में सीधा उपलब्ध कराया है, कोई बिचौलिया नहीं है। आज ये लोग चौधरी चरण सिंह की विरासत की दुहाई देकर आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले की सरकार में गेहूं की जितनी सरकारी खरीद हुई थी, योगी जी की सरकार ने उसमें दोगुने से भी ज्यादा गेहूं MSP पर खरीदा है। पीएम मोदी ने कहा कि अपने किसानों को और पूरे पश्चिमी यूपी को याद दिलाना चाहता हूं, आज जो लोग आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे पूछिएगा कि जब उनकी सरकार थी तो उनसे पूछिएगा कि आपके गाँव में कितनी बिजली देते थे। पश्चिमी यूपी में बात होती थी तो हमारा किसान और यूपी बिना बिजली के मात खा जाता है, घर घर में ये चर्चा होती थी। आज जब गांव-गांव में बिजली आ रही है तो उसका हिसाब होना चाहिए या नहीं? उन्होंने प्रदेश को अंधेरे में रखा ताकि अपराध बढ़े, हमने बिजली दी ताकि विकास बढ़े। जागरूक टीवी की बिजनौर से खास रिपोर्ट।